मामलों का सुर्खियों में आना कोई नई बात नहीं है। कई मुस्लिम युवतियां कभी मजबूरी के चलते तो कभी अपनी मर्जी से अपना मुस्लिम धर्म छोड़कर धर्म परिवर्तित कर लेती हैं। इसी बीच अब एक बार फिर एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने सबको हैरान करके रख दिया, क्योंकि धर्म परिवर्तन का ये मामला अब राम की नगरी अयोध्या से सामने आया है। जी हाँ, अयोध्या, जहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहाँ एक ओर लोग भगवान राम के दर्शन के इंतजार में बैठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या धाम मंदिर में एक ऐसा विवाह हुआ जिसकी चर्चा अब तेजी से की जा रही है। यूपी के बरेली में एक अनोखी शादी हुई है। दरअसल फराह नामक मुस्लिम युवती ने इस्लाम धर्म त्याग कर अपना नाम जानकी रखा। इसके बाद उसने अपने प्रेमी राम से शादी कर ली। ये शादी बरेली के अयोध्या धाम मंदिर में हुई। दरअसल फराह नामक मुस्लिम युवती ने अपना इस्लाम धर्म त्याग कर अपना नाम जानकी रखा और नाम में बदलाव करके उसने हिंदू प्रेमी राम से शादी करने के लिए किया। बरेली में इस समय राम और जानकी की शादी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। खबर है कि दोनों राम और जानकी बचपन से साथ पढ़ा करते थे। फराह उर्फ जानकी बचपन से ही राम से शादी करना चाहती थी, इसी के चलते उसने अपना मुस्लिम धर्म त्याग दिया और सनातन धर्म की चादर ओढ़ ली। मुस्लिम से हिंदू बनी इस युवती जानकी का कहना है कि उनके प्यार के बीच उनका धर्म आ रहा था, इसलिए उसने अपना धर्म ही बदल डाला और अब उसे फराह नहीं बल्कि जानकी के नाम से जाना जाएगा। सवाल ये उठता है कि सनातन धर्म को अपनाने का असल कारण क्या है? क्या ये अपने धर्म से खुश नहीं है? जिस तरह से लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियां अपना धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपना रही है या सनातन की चादर ओढ़ रही है, वो अपनी मर्जी से हिंदू धर्म में शामिल हो रही है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? हालांकि राम और जानकी की कहानी तो प्रेम की है और ये प्रेम विवाह है जो इन दोनों ने बचपन से किया और इसे अब आकर मुकम्मल किया। इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीके न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।